अगर आप अपने घर की छत या अपनी जमीन पर मोबाइल टावर लगवाने की सोच रहे हैं तो सचेत हो जाएं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टावर लगाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहा है। अगर आप भी इस दावे के झांसे में आकर मोबाइल टावर लगवाने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक डॉट ऐसे प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। फेक अनापत्ति प्रमाण पत्र का दावा है कि प्राप्तकर्ता के स्थान पर मोबाइल टावर लगाया जाए। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को फर्जी बताया है। उसने कहा है कि दूरसंचार विभाग ऐसे सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है, इसलिए ऐसी अफवाहों और जालसाजों से दूर रहें। सरकार ने मोबाइल टावर लगाने से संबंधित धोखाधड़ी के बारे में भी चेतावनी जारी की है। सरकार ने कहा है कि जालसाज आम जनता को झांसे में डालते हैं और उन्हें अपने परिसर में टावर लगवाने के लिए आकर्षक मासिक किराया दिलाने का वादा करते हैं। टावर लगवाने के नाम पर वे लोगों से उनके पर्सनल कंपनी खाते में सिक्योरिटी डिपॉजिट, आवेदन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, सरकारी टैक्स के रूप में एडवांस जमा करने के लिए कहा जाता है। एक बार खाते में पैसा जमा हो जाता है तो ये जालसाज अपना काम बंद कर देते हैं और पहुंच से बाहर हो जाते हैं। ये कंपनियां दूरसंचार विभाग अलग अलग सरकार द्वारा जारी टावर के लिए फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रही हैं। बहरहाल आप सभी ग्राहकों से अनुरोध है कि इस तरह के फर्जी खबर से दूर रहें और इन जालसाजों के झांसे में न आए। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।